जहाँ गांधी का नाम आया वहां भगत सिंह को पैरेलल में पढ़ाया हर बार। दोनों अपनी अपनी विचारधारा रखते थे, दोनों ग्रेट लीडर थे। बस इतना फर्क था कि महात्मा गांधी उस जमाने में मास लीडर बन गए क्योंकि मैच्योर थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। वो 22 साल का तो एक बड़ा लंबा अनुभव लेके अफ्रीका से तब इंडिया आए थे। जबकि अगर भगत सिंह को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं इस लड़के की तो कुल उम्र ही 23 साल थी। तो जितना गांधी जी का अनुभव विदेश में था उतना भगत सिंह टोटल एज जी के गए हैं। उस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो ये देखने में ये फील होता है कि अगर भगत सिंह रुक जाते तो शायद धरती पर सबसे बड़े मास लीडर कहलाते। और आज बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षाओं को फिर से याद कर लिया जाए। भगत सिंह की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई के असली मायने महज कमाना भर ना हो, पढ़े लिखे इंसान में तार्किक बुद्धि का विकास हो, वो मैथ्स भी जानता हो, साइंस भी समझता हो, लेकिन दुनिया के इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति के दौर की बात करें, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन या रूसी क्रांति की बात करें, या इथियोपिया जैसे पिछड़े देश, अफ्रीका के एक देश ने जो इटली जैसे बड़े ताकत को धराशायी कर दिया, तब की बात करें, या फिर जापान जैसे छोटे से देश ने 1905 में जब रशिया जैसी महाशक्ति को हरा दिया, तब की बात करें। अब जैसे अगर ये सब चीजें इतिहास में पढ़ी ना जाती तो ये पता भी ना चलती। इसलिए उन्होंने कहा कि हर युवा वर्ग के लड़के को या जितने लोग पढ़े लड़कियां, उन सबको इतिहास बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन, जैसा सर ने अभी कहा कि आपको फर्क लगता है कि नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से, लेकिन पॉलिटिक्स आपके जीवन को हर तरीके से प्रभावित करता है। आपकी जिंदगी में नौकरी मिलना आसान होगा या मुश्किल, ये बहुत हद तक पॉलिटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पेपर ना हो, पेपर लीक होते रहें, साल साल भर, दो दो साल भर प्रोसेस चलते रहे, तो आपकी जीवन अपने आप जो है तबाह हो जाएगा। वहीं अगर पॉलिटिक्स दमदार है, पहले से शेड्यूल बना दे कि भैया इस साल ये वाले पेपर होंगे, ये आपका सिलेबस रहेगा, कितने दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो पॉलिटिक्स आपके जीवन को बहुत बेहतर, बहुत आसान भी बना सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स की समझ होना, इतिहास की समझ होना और इकोनॉमिक्स की समझ होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, पॉलिसीज क्या काम आती हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं और देश की सरकार का क्या रोल है, ये बजट नाम की चीज आम आदमी की समझ में आना बहुत जरूरी है। और क्या सरकार बजट के अकॉर्डिंग पूरे साल खर्च करती है या ये बस दिखावटी बजट आता है बाद में जिसके ऊपर कोई कामकाज भी ढंग से नहीं किया जाता। तो इन सबको समझने के लिए भगत सिंह की वो बात आज 100% सच साबित हुई कि जो पढ़े लिखे क्राउड होगा ना, उसको पॉलिटिक्स भी समझ में आनी चाहिए, उसको इतिहास की भी समझ होनी चाहिए और व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है, देश समाज कैसे चलता है, इन सबकी समझ होना बेहद जरूरी है। अदरवाइज उनकी वो कही हुई बात आज सच साबित हो गई है कि भारत में अगर गांधी जी और कांग्रेस के हिसाब से देश में आजादी मिलेगी तो ये असली आजादी नहीं होगी, ये महज आजादी की जगह ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। पहले पावर थी गोरों के हाथ में, आज पावर आ गई आप ही के देश के काले लोगों के हाथ में, या ब्राउन जिनको हम इंडियंस मानते हैं, हम लोग हमारे हाथ में। लेकिन जो लोग सच में नेता कहलाने के काबिल थे, उतनी काबिलियत अगर आज देश के नेताओं में नहीं है तो पढ़ लिख के क्वेश्चन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम इतने काबिल बने कि हर चीज की समझ हमारे अंदर हो, ये देश दुनिया चल कैसे रहा है, व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। परिमल सर ने ये पिक्चर्स आपको दिखाई, ये पिक्चर्स ओरिजिनल पिक्चर हैं और बाकी जितनी पिक्चर्स है ना वो सब वैसे एक आइडिया लगा के बना दी गई है। ये पिक्चर सच की पिक्चर है जब ये जेल में कैद थे, और ये आदमी जो आपको दिख रहा है साधारण से कपड़ों में, ये बहुत बड़े अधिकारी वर्ग का आदमी था जो इनसे बात कर रहा है। यानी ये अधिकारी जानते होंगे कि भगत सिंह के दिमाग में कितने बेहतरीन आइडियाज हैं। ये भगत सिंह का खुद का फेवरेट फोटो है जिसमें वो चाहते थे कि देश दुनिया उनको इस इमेज में देखे। चलिए बाकी सारे चारों आपको सर ने बता ही दिए, आज इतनी बातचीत करते हैं, टाइम टू टाइम मैं क्लास में वैसे भी बातचीत करती ही रहती हूँ। तो आज का दिन मन में एक बार फिर से उन लोगों को याद कर लें जिन लोगों के कारण आज इस आजाद भारत की हवा में हम सांस ले पा रहे हैं और हम देश को चाहते हैं, हम सभी टीचर्स और तुम स्टूडेंट्स भी और ये रंगे मुन्ने 8-10 साल के बच्चे जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, कि भारत ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन सिर्फ ये कहने भर से बात नहीं बनेगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने चरित्र को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा,
डेली पढ़ना पड़ेगा और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी समझ हर एक पढ़े लिखे इंसान में होना बेहद जरूरी है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, ना ऐसा है कि मेरे कहने से दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगा, ना परिमल सर के कहने से। लेकिन जैसा भगत सिंह एक इंसान के रूप में जन्म ले गए, लेकिन वास्तव में वो एक विचार थे, तो उन विचारों को आगे बढ़ाना हम इंसान के रूप में जितने लोग हैं कम से कम ये हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए ये दो खास दिन याद किए जाते हैं, एक उनकी शहादत का और एक उनके जन्म का। तो इन चीजों को आगे तक लेके चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे और आने वाली पीढ़ी को, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह एक विचार थे और उन विचारों को ये अपने मन में अपनी आत्मा में हमेशा जिंदा रखे। चलिए जैसे हम लोगों को अच्छाई कहीं से मिले और बुराई कहीं भी छोड़ दो, कोई भी पर महात्मा गांधी से मास लीडर कैसे बने सीखना चाहिए, क्या नहीं? मैं थोड़ा सा ऐसा सोचता हूं और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जब दांडी मार्च पर चले थे तो 80-90 या नहीं? वो देश, समाज और परिस्थिति, मैं ऐसे सोचता हूँ और ऐसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। और अभी हम लोग कैथल गए थे टैक्स फ्री एजुकेशन और चलो विजिट थी, तो वहां पर हम लोग बात करें तो वहां पर भी हजारों की संख्या में युवा थे। जहां भी जाते हैं तो इस प्रकार से युवा रहते हैं। तो नंबर एक, मास लीडर होना चाहिए और अपनी बातों को जहां से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। दूसरा, जो भगत सिंह ने कहा कि अगर इस तरीके से समझौतों के साथ देश में आजादी आई तो फिर वो आजादी नहीं महज समझौता होगा, तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, तो हम टाइम टू टाइम डिमांड यहाँ पर बात करते हैं तो ऊपर के स्तर की पॉलिटिक्स तक भी इन बातों को लेकर के जाते हैं और वहां अपनी बातें रखते हैं। अभी 26 मार्च को चंडीगढ़ में JW मैरियट होटल है, उसके अंदर पूरा सेशन है। इंडिया न्यूज हरियाणा बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसके अंदर हम जाने वाले हैं और उसके अंदर पूरे दिन जो है पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स वहां पर रहने वाली है, पूरा जो है वो चलेगा काम। तो उसमें पूरी उम्मीद है कि एक सेशन हमें मिलेगा बोलने को और पूरी उम्मीद है वहां पर जो है लीडर्स आएंगे तो माइक भी हम लोगों को मिल सकता है। आप लोगों में से जितने लोग वहां पहुंच सकते हैं जा सकते हैं भी जा सकते हैं, वहां घूमना फिरना चंडीगढ़ घूमना एक विजिट लगा लो। और उसके साथ आप लोग फिर जो है जैसे वहां पर जब ये बातें रहती है कोई ऐसे बिल्कुल मत करना प्रोग्राम कैंसिल करने में, सरकार का कुछ भी नहीं लगता कि वहां हो हल्ला ये हो, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ नहीं ना दे, इस तरीके से बिहेवियर बना करके वहां जाए या प्रोग्राम कैंसिल कर दे। मैं तो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? अगर कोई जाए तो बहुत शालीनता के साथ वहां जाकर के बैठे और बात तो हम रख ही देंगे, बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई टैक्स फ्री एजुकेशन के ऊपर जो ये पिछली जो है ये पूरी सरकार गई पहले वाली सरकार में जो है खूब भर्तियां हुई, अब फेयर सिलेक्शन तो है वो तो है लेकिन भर्तियां नहीं हो रही तो दिक्कत है। तो चीजें जो है रेगुलर भर्ती के ऊपर, टैक्स फ्री एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट फ्री के ऊपर, मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? इन बातों को हम वादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बात जो मैं तुम्हें कह रहा था, ये दोनों बातें अपने करेक्टर का पार्ट बनाना चाहिए, तुम्हारी जैसी सोच के बहुत सारे लोग होने चाहिए, हमेशा हम कर रहे हैं। दूसरा, अपनी बात को हर जगह पर रखने के शब्द तुम्हारे पास होने चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, तो ये काम हम पूरा कोशिश करेंगे करने की। और कल हम लोग जो है दो दिन की छुट्टी पर रहेंगे, हम अब संडे को छुट्टी लगा लो या मत लगा लो छुट्टी, पर कल हम लोग जाएंगे तो अम्बाला ब्रांच पे विजिट भी करेंगे वहां से जाते हुए। कल क्लास को लगे क्या कुछ सुनाना है? अरे वाह, आ जाओ। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर मैं